हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो पोस्ट कोविड वापस अपना वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं. अभी हम जानते हैं कि हम अभी मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड दिस सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूज टू बी द नॉर्म. तो अभी बाहर नहीं जाने स्पेशली इफ यू रिकवर्ड फ्रॉम द इन्फेक्शन, बट आप घर पे रहते हुए किस तरह यू कैन स्लोली एंड ग्रेजुअली गेट बैक टू योर वर्क. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप वापस अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, पहले अपनी हेल्थ पे फोकस करना है. फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ एंड शुड बी योर प्रायोरिटी मोर देन एनीथिंग एल्स, राइट. सो ऐसा नहीं कि अचानक से यू हैव टू गेट बैक टू योर वर्क एंड बाकी सब चीज़ें भूल जाए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है. आप अपने दिन में एक्टिविटी स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, जैसे एक टाइम टेबल बना सकते हैं जिसके अंदर यू कैन ब्रेक डाउन योर वर्क छोटे छोटे चैप्टर्स में, कि 20-25 मिनट्स अभी काम किया या आधा घंटा काम किया एंड देन यू टेक अ ब्रेक. और ब्रेक में क्या करना है कि आप वर्क रिलेटेड कोई भी काम नहीं करेंगे, गैजेट से दूर रहेंगे, अपने योगा मेडिटेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ और रिक्रिएशनल एक्टिविटी या रिलैक्सेशन एक्टिविटी कर सकते हैं, बट वर्क से रिलेटेड कोई काम नहीं करना उसके. सो 10-15 मिनट्स का ब्रेक लिया एंड देन यू गेट बैक. सो स्ट्रक्चर योर डे लाइक दिस. इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए एक्टिविटीज डालें डे के अंदर, क्योंकि अभी अचानक से बहुत सारा वर्क प्रेशर वर्क स्ट्रेस हो जाएगा तो इट कैन इम्पैक्ट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इन द लॉन्ग टर्म. सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो भी प्रिस्क्राइब दवाइयाँ हैं, आपको जो भी प्रिस्क्राइब एक्सरसाइज हैं वो आप करें. इतना वर्क में नहीं घुसना है कि बाकी सब चीज़ों का ध्यान नहीं हो रहा है. आपकी फूड टाइमिंग्स, स्लीप टाइमिंग्स, ऑल दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आई नो इस टाइम पर बहुत सारा वर्क रिलेटेड प्रेशर, फाइनेंशियल बर्डन है बहुत लोगों पर. सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप प्रायोरिटाइज करें, दिन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए कि आज के दिन में ये 10 चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ. सो उनको प्रायोरिटी पे रख के कीजिए, एक दिन में बहुत सारा चीज़ें डालने की कोशिश मत कीजिए. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. फोर्थ थिंग, आपकी वर्क स्पेस डीक्लटर करिए, उसमें बहुत सारे फिजिकल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें मत रखिए जिससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है. एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो वर्क रिलेटेड फैमिली में लोग हैं, आपके कोलीग्स हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उनसे आप बात करते रहिए. अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन लग रहा है उनसे बात कीजिए, थोड़ा वर्क को स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए, बहुत सारा अपने ऊपर मत लीजिए रोजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगेन लाइक आई सेड, योर फिजिकल एंड योर मेंटल हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी राइट. हमें कोशिश करनी है कि आप पहले फिजिकली और मेंटली वापस थोड़े स्टेबल हो जाए, देन यू कैन स्टार्ट गो बैक टू द बेसलाइन वर्क जैसे आप पहले कर रहे हो. एकदम से अगर बहुत सारा प्रेशर डालेंगे तो इट कैन इम्पैक्ट योर हेल्थ. सो दीज आर जस्ट सम ऑफ द टिप्स दैट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ. एंड अगर आपको ऐसा लगे कि हेल्थ रिलेटेड कुछ और सिम्टम्स आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है जो आप नहीं हैंडल कर पा रहे घर पे, सो प्लीज़ गेट इन टच विद द प्रोफेशनल एंड होप यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ. टेक केयर. थैंक यू.